इस बार आने वाले महीने की शुरुआत ही धमाकेदार होने वाली है। पहली तारीख को ही शुक्रवार है और दो धमाकेदार फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही हैं। अजय देवगन की फिल्म बादशाहों और आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की शुभ मंगल सावधान। बात की जाए अजय देवगन की बादशाहों की तो उसमें उनके अलावा एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज, इमरान हाशमी, ईशा गुप्ता नजर आने वाली हैं। अजय देवगन के फैन इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज हम आपको इस फिल्म की कहानी बताने जा रहे हैं जो आपकी दिलचस्पी इस फिल्म के लिए और बढ़ा देगी। ये कहानी है 1975 के दौर की, जब देश भर में आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। इसी के साथ राजनीति में भी काफी उथल पुथल चल रही है। शाही खानदानों पर सरकार की नज़र उस समय पर देश भर के शाही खानदानों पर सरकार की नज़र है और सबसे ज्यादा निशाने पर है राजस्थान के शाही परिवारों पर। उनसे कहा जा रहा था कि 1971 में उन्होंने अपनी संपत्ति घोषित नहीं की और उसे जब्त किया जा रहा है। सोना, जवाहरात, एंटिक्स जैसी चीजें ले ली गई। रानी के घर छापा। रानी गीतांजलि इलियाना डिक्रूज जयपुर की रहने वाली हैं और उनके महल पर भी छापा मारा गया। उसकी गैंग में एक ऐसा शख्स है जो काफी दमदार है और वो शख्स है दलिया उर्फ इमरान हाशमी। वो है तो भवानी की गैंग का, लेकिन कई बुराइयां उसमें हैं। वो लड़की बाज है, जहां भी लड़कियां देखता है फिसल जाता है। भवानी के लिए ईमानदार वो वेश्यालयों में जाता है और वहीं सोता है, लेकिन इन तमाम खामियों के बाद भी उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वो भवानी के लिए पूरी तरह से ईमानदार है। इसमें एक और किरदार है जिसका नाम है टिकला उर्फ गुरुजी। गुरुजी का किरदार निभा रहे हैं संजय मिश्रा। वो शराबी हैं और गुस्से का तो कहना ही क्या, हमेशा गुस्से में रहते हैं। उनकी खासियत है कि वो ताला खोलने में माहिर हैं। इसमें ईशा गुप्ता निभा रही हैं संजना का किरदार, जो रानी गीतांजलि की वफादार हैं। संजना भी हो जाती है इस गैंग में शामिल। इन सबका एक ही मकसद है, रानी के सोने को बचाना, जिसे मेजर सेहर सिंह विद्युत जामवाल की अगुवाई में ले जाया जा रहा है। कैसा होगा सफर, अब किस तरह से ये सारा सामान भवानी की गैंग बचा पाती है और क्या होगा अंत में, इसके लिए आपको 1 सितंबर को अपने नजदीकी सिनेमाघरों की ओर रुख करना पड़ेगा।